हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने पॉलिटिक के घटनाचक्र से, मैं नागरिकता के जितने भी अब तक नागरिकता चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस अब तक आए हुए हैं प्रीवियस पेपर के पीसीएस के, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, इवन आईएएस का भी, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, चाहे एसएससी का हो चाहे किसी भी फील्ड का हो, अगर आप गारंटी के तौर पे बोल सकता हूँ, सबसे पहले मैं आपको नागरिकता के चैप्टर का, मैंने अपना एक एक नोट्स बनाया है, मैं आपके नोट्स का एक मैप आपको दे देता हूँ, ताकि अगर आप इसको ध्यान से एक बार समझ लोगे तो इस बिहार पे आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे। अगर आपने यहाँ पे आईएएस पीसीएस के सारे क्वेश्चंस को आसान से सॉल्व कर लिया, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सिलेक्शन में, एक तरीके से सिलेक्शन होने का बहुत, ये कहते हैं, एक श्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देखते रहेंगे आराम से। देखिए, बात है नागरिकता, नागरिकता के भाग दो में है। नागरिकता किस में? नागरिकता भाग दो में। नागरिकता का जो डिस्कशन है वो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 में दिया गया, जिसमें आर्टिकल 11 ये कहा गया है कि संसद के नागरिकता के संबंध में, आर्टिकल 11 क्या कहा गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का, कानून बनाने का शक्ति दिया गया है, ठीक है। अब देखिए, नागरिकता किस किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं? जन्म से, वंश परंपरा से यानी बाई डिसेंट, दूसरा पंजीकरण से, तीसरा देशीकरण से, देशीकरण बोले तो बाई न्यूट्रीलाइजेशन से, उसके बाद है, नेक्स्ट है भूमि के अर्जन द्वारा यानी बाई एक्विलाइजेशन ऑफ लैंड, अगर आप लैंड वगैरह खरीद लेते हैं तो उसके थ्रू आपको है ना नागरिकता इन्हें प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद है, सबसे बड़ी बात है कि संसद जो है भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 का है, उसके द्वारा ये अधिनियम बनाया गया है, जो अनिवार्य, अब इस अधिनियम के थ्रू क्या कहा गया है, देखिए, उसी को नागरिकता मिलेगा जो कहीं भी देश में हो, चाहे विदेश का हो, चाहे कहीं का भी हो, जो 10 वर्षों तक लगातार भारत में रहेगा, यानी ऐसा प्रवासी जो विदेशी लोग होते हैं ना, जो यहाँ पे आकर के लगातार अगर आप 10 सालों तक रह लेंगे तो ही जा करके आपको भारतीय नागरिकता अधिनियम के थ्रू आपको नागरिकता मिलेगा। अदरवाइज आपको नागरिकता लेने का अधिकार कैसे, अगर आप यहाँ पे जन्म हो गए, अगर आपका कोई वंश परंपरा है, अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन करा रखा है, अगर अपना कोई देशीकरण के थ्रू है, अगर आपने कोई भी भूमि वगैरह खरीदा हुआ है, तो उसके थ्रू जो है आपको नागरिकता बड़े ही आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो शायद मुझे अच्छा लगता है, शायद आपको ये नोट समझ में आया होगा। अब देखिए, दोहरी नागरिकता के बारे में भी चर्चा की गई, तो दोहरी नागरिकता किसको किसको मिलेगा? देखिए, दोहरी नागरिकता जो है ना, 2015 में एक संशोधन किया गया, नया संशोधन अधिनियम के थ्रू 2015 में ये संशोधन हुआ, इसके थ्रू सभी को दोहरी नागरिकता लेने का अधिकार है, केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को छोड़कर, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको नागरिकता के ऊपर जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, शायद आपको समझ में आ गया कि नागरिकता के बारे में अच्छे तरीके से, तो नागरिकता के बारे में ये भाग दो में है, अनुच्छेद 5 से 11 पर डिस्कस किया गया, और ये नागरिकता है, ये एकल नागरिकता प्राप्त है, ये एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया नागरिकता को लेके। नहीं, आप चाहे तो इस नोट्स को हमारे, जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाया हुआ है, इसी तरीके से आप A4 साइज पेज पर नोट्स बना सकते हैं। जितना भी आप स्पेस देख रहे हैं या पेज के आप उस साइड देख रहे हैं, आप आराम से इसको जो है ना अपने नोट्स के थ्रू कहीं से भी कुछ भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं, चाहे PCS लेवल का, चाहे IAS लेवल का, चाहे मेन्स लेवल, कुछ भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलता है, चाहे करंट अफेयर से, चाहे किसी भी चीज़ से, उसको साथ में आप नोट डाउन कर ले, उसको लिखते चले जाएँ, एक आपका ये प्रॉपर नोट्स बन जाएगा, ठीक है ना। चाहे आप कोई सा PCS दे दो, जो मैं गारंटी के तौर पे कह सकता हूँ, आपका क्वेश्चंस यहाँ से बाहर आ ही नहीं सकता है नागरिकता के चैप्टर से, ठीक है ना। देख लीजिए, इसी तरीके हम धीरे धीरे करके ऐसे हम चैप्टर को शुरुआत करते चलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब नागरिकता के हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया, अब हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग एक, भाग दो, भाग सात, भाग नौ। तो सबको पता है कि भाग दो में भारतीय नागरिकता के संबंध में चर्चा की गई है, वो भी अनुच्छेद 5 से 11 की भी है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान जो है, क्या ये दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, कि एकल नागरिकता प्रदान करता है, कि उपरोक्त में दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता है, प्रदान करता है एकल नागरिकता, ठीक है ना। तो दोनों तो होगा नहीं, ए और बी तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। दोहरी नागरिकता भी प्रदान करता है, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन भारत जो है केवल केवल एकल नागरिकता ही प्रदान करता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं
क्या लिखा है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, भारत के प्रत्येक नागरिक को केवल एकल नागरिकता है, वह है भारतीय। अमेरिका की भांति संघ एवं राज्यों की दोहरी नागरिकता भारत में प्रचलित नहीं है। नागरिकता भारतीय संविधान के भाग दो में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित है, ठीक है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, या संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, या भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता, बताइए क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर होना चाहिए संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, कैसे, देखिए जन्म द्वारा तो भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण द्वारा भी, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या भारतीय बैंक में धन जमा करके। देखिए भूभाग के सम्मेलन द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त किया जा सकता, ऐसा कहीं प्रोविजन नहीं है। देख सकते हैं क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है, पहला जन्म द्वारा, दूसरा रक्त संबंध या वंशक्रम द्वारा, तीसरा रजिस्ट्रेशन द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा, पांचवा किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है जिसके थ्रू आपको नागरिकता प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नागरिकता इसमें प्राप्त नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का प्रत्याग करता है, बिल्कुल, स्वेच्छा से अन्य देश को नागरिकता प्रदान कर प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करना, नीचे दिए गए प्रयोगों का सही उत्तर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, केवल 1 और 2। देखिए भारत के नागरिक के नागरिकता का लोप निम्न दशाओं में होता है, भारतीय नागरिकता का या तो परित्याग कर दीजिए, या तो अपने स्वेच्छानुसार देश के नागरिक को मतलब देश की नागरिकता छोड़ दीजिए, जबकि सरकार आलोचना करने तथा अन्य देश के नागरिक से विवाह करने के कारण किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता का लोप नहीं होता है, ठीक है। आप चाहे कहीं से भी किसी भी शादी कर सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे शादी, कोई दिक्कत नहीं, पहले सिलेक्ट हो जाए, है ना। हमारे सामने अभी JPSC आने वाला है, UPPCS भी है, BPSC भी है, तो अच्छे से पहले क्लियर कर लीजिए, फिर जाके कर सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हर नहीं है, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक नहीं, भारतीय नागरिक है, बी भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, सी ऑप्शन वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, डी एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह या पितामही या मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत कि पाकिस्तान प्रवास हो गए। इसका वो देखिए कितना अच्छा दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, भारतीय संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अर्हर हैं, पहला एक अवयस्क बच्चा जिसके माता पिता में से दोनों या कोई एक भारतीय नागरिक है, दूसरा भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, तथा तीसरा एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय या बाद में किसी समय भारतीय नागरिक थे। एक व्यक्ति का एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों खंड को उल्लेखित के साथ, इसके अलावा पाकिस्तान बांग्लादेश तथा अन्य देशों जिसे केंद्र सरकार निर्धारित करे के नागरिकों को इससे वंचित रखा गया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। देखिए IAS प्री 2005 का क्वेश्चन है ये IAS का, सोचिए जरा। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर
371 एक अंतर्विष्ट किए गए। दूसरा, भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में दो राजतंत्र संघ और राज है, किंतु नागरिकता एक ही है। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखते हैं इसका क्या है। केवल एक ही जो है वो सही है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 में नागालैंड, 371 ए असम, 371 बी मणिपुर, 371 सी आंध्र प्रदेश, 371 डी सिक्किम, 371 एफ मिजोरम, 371 जी अरुणाचल प्रदेश, 371 एच तथा गोवा, 371 एक राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। ठीक है, इसलिए कथन एक सत्य है। नेक्स्ट देखिए, किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है ऐसा प्रोविजन। ठीक है, क्या है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है। वहाँ प्रत्येक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की और दूसरी उस राज्य की जहाँ वह निवास करता है। इसके विपरीत भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? अर्जन हेतु शर्तों को चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद एवं राज्यों की विधानसभा सम्मिलित रूप से, या संसद? केवल संसद होना चाहिए आंसर। संसद को ये अधिकार है कि नागरिकता के बारे में कुछ भी करने का, तो संसद अपने आप में जो है ना बहुत सुपीरियर है। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखेंगे इस तरीके का जो भी चीज़ें हैं संसद के हाथों में है। ठीक है, देखिए लिखा भी है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। इस शक्ति के प्रयोग में संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 अधिनियमित किया है, जिसमें नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध किया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 51A के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। भारतीय अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 7 वर्ष बिताने होंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? न्यायालय को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को? तो आंसर क्या होगा इसका, है तो संसद को, लेकिन देखते हैं क्या दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। बताए ना, सारा अधिकार संसद को प्राप्त है। ठीक है डियर फ्रेंड, आप इसको अच्छे से देखिए, वॉच करिए, बार बार देखते रहिए, टेस्ट के तौर पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं अगर आपने कहीं पढ़ रखा है तो। और थैंक यू सो मच, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, साथ में लाइक जरूर किया करो, कमेंट भी कर दिया करो प्लीज़, कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।